हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एवन हेयर स्टाइल पर। और जैसे कि आप सबको पता है कि मेरे एवन हेयर स्टाइल पर मैं हमेशा हेयर स्टाइल्स के वीडियो अपलोड करती हूँ। और आज मैं आपके लिए कोई हेयर स्टाइल नहीं लेके आई हूँ, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मैजिकल हेयर मास्क, जिसको बालों में अप्लाई करने से आपको बहुत ही सिल्की और शाइनी हेयर मिलेंगे। और मैंने भी इसको अपने बालों पर अप्लाई किया है, तो वही हेयर मास्क मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये होममेड मास्क है, इसमें कुछ भी बाहर से सिर्फ एक से दो चीज़ है जो आपको मेडिकल पे इजीली मिल जाएगा, मेडिकल शॉप पे, तो वहाँ से आप उसको खरीद सकते हैं। और ये एकदम होममेड मास्क है, इसके जो भी इंग्रेडिएंट है आपको किचन से ही मिल जाएंगे। तो चलिए हम ये मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं। और इस मास्क को आप जरूर लगाइए, और मैंने भी इस मास्क को अप्लाई किया है अपने हेयर पे और मैंने बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट पाया है अपने बालों में। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे एक बार अप्लाई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। तो चलिए अब हम हेयर मास्क बनाना स्टार्ट। सो गाइस, हेयर मास्क बनाने के लिए आपको इन सब इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें सबसे पहले है ये एलोवेरा जेल। मैंने यहाँ पे सौंदर्य का एलोवेरा जेल लिया, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं या प्योर आपके घर में पौधा हो तो ले सकते हैं। ये है शहद, ये मेरे घर का शहद है और मैंने ये लिया इवन 400। ये विटामिन ई के कैप्सूल्स हैं जो आपको मेडिकल पे इजीली मिल जाएंगे। और ये लिया है मैंने दही, दही मेरे घर का जमा हुआ है, आपको ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। और एक चाहिए आपको नींबू। तो चलिए अब हम मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको लेना है मिक्सर ग्राइंडर और उसमें डाल देना है दही। मैंने ये 4 से 5 टेबल स्पून दही लिया है, आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। जिसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून हनी, मतलब शहद डालेंगे 2 टेबल स्पून। मेरे बाल थोड़े ड्राई ज़्यादा, इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। अगर आपके बाल ड्राई नहीं है तो आप यहाँ पे 1 चम्मच भी ले सकते हैं। और आपको 1 चम्मच डालना है इसमें एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के बाद आपको डालना है 2 इवॉन के कैप्सूल, विटामिन ई के कैप्सूल डालना है आपको। और उसके बाद डालना है आपको 1 नींबू का रस, जो मैं छान के ले रही हूँ। ये सभी इंग्रेडिएंट हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आपको इसको थोड़ा सा ग्राइंड करके इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना देना है। ये देखिए हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अब आपको इसको एक कटोरी में पोर कर देना, मतलब डाल देना है। अब चलिए मैं आपको इसको अप्लाई करना बताती हूँ, ये हमारे बालों के लिए बहुत हेल्दी है। जो भी हमने इंग्रेडिएंट लिए वो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक सीधी मांग निकालनी है अपने सिर में और ऐसे चारों उंगलियों की हेल्प से आपको लगाना है। ये देखिए जैसे मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ आपको वैसे ही लगाना है। ऐसे थोड़े थोड़े बालों को साइड में कर कर के सब में लगाना है आपको, पूरे बालों में अच्छे से। अगर आपके बाल रफ और ड्राई है तो उसमें हनी वगैरह जो ई कैप्सूल हमने डाले वो आपके बालों को हेल्दी बनाएगा। एलोवेरा जेल वगैरह बहुत हमारे बालों के लिए अच्छे होते हैं। ये देखिए आपको थोड़े थोड़े बाल लेके ऐसे पूरे बालों में इसको अप्लाई करना है। अगर आपके बाल डैमेज ज़्यादा है तो आप विटामिन ई के कैप्सूल ज़रूर डालना, उससे स्किप मत करना। ये देखिए मैं अपने सारे बालों में ऐसे थोड़े थोड़े बाल लेके बालों के ऊपर और मांग ऐसे मांग निकाल के थोड़ी थोड़ी सब जगह अप्लाई कर रही हूँ। आपको भी अपने पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करना है। देख ऐसे उंगली में, यहाँ पे उंगली की मदद से ऐसे थोड़े थोड़े बाल ले रही है। यहाँ आप कॉम भी यूज़ कर सकते हैं।
अगर आपके बालों में डैंड्रफ वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो भी नींबू और दही दही जो हमने इस पेस्ट में यूज़ किया है उसकी वजह से आपके दूर हो जाएगी। अपने सारे बालों में इसको अच्छे से अप्लाई करना है, एंड्स तक भी इसको अच्छे से अप्लाई करना है। ये देखिए मैं अपने एंड्स पर भी अप्लाई कर रही हूँ, बालों के एंड तक आपको अच्छे से इसको अप्लाई करना है। आपको इसको जूड़ा बना के आपको इस मास्क को अपने बालों में कम से कम आधा घंटे तक लगाए रखना है। उसके बाद अपने रेगुलर शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लेना है। देखिए अब मैंने अपने बाल धो दिए हैं, मैं अब आपको बता रही हूँ मेरे बाल। देखिए कितने शाइन है मेरे बालों में। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।